हेलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लॉर्ड बुद्धा स्टडी सेंटर डरा के यूट्यूब चैनल में दोस्तों देख लीजिए आज मैं प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम फोर लेके आया हूँ देखिए दोस्तों ये पूछा गया प्रश्न अट्ठाइस ग्यारह दो हजार अठारह के फर्स्ट शिफ्ट में और देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों एक सौ तो प्रश्न दिया गया एक सौ तो प्रश्न दिया गया है। और दोस्तों इसमें मैं जी के जी एस और करंट अफेयर पे चर्चा करेंगे और देखिए दोस्तों मैं एक चीज बता दूं कि इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चालीस प्रश्न का पी दे दूंगा और वहां से देखिए दोस्तों उसमें देखिए दोस्तों पी रहेगा और उसमें आपको मैथ और देखिए दोस्तों रीजनिंग रहेगा चालीस के आसपास मैथ रीजनिंग वहाँ से आप इसको प्रत्येक दिन पाँच बजे मॉर्निंग में, में डाउनलोड करके बना सकते हैं अब चलिए दोस्तों एक चीज और बता दूँ मैं अपने चैनल के द्वारा आपको सभी मंथ का एस और देखिए सम्मान दर्पण का अपडेट देते दे रहूँगा चलिए दोस्तों अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं चलिए दोस्तों क्वेश्चन कर लेते हैं देखिए दोस्तों इसका आपको जीके बहुत मस्त दिया गया है कुछ अनोखा भी दिया गया है इसीलिए इसको कवर कर लीजिए चलिए दोस्तों चलिए कवर करते हुए आगे चलते हैं देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए क्वेश्चन कहता है आपका देखिए क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को देखिए क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका फेंका गया और कहता है यह भूमि से h ऊंचाई तक पहुंचती है इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई ऊंचाई h के h के 1/4 पर वस्तु क्या होगी वस्तु तो हो तो का क्या होगी इसका आंसर होगा दोस्तों होगा डी यानी कम स्थिति ऊर्जा और अधिक ऊर्जा हो जाएगी चलिए तो अगला क्वेश्चन देखिए दो नंबर क्वेश्चन कहता है मर आपका क्वेश्चन है कहता है कहता है पिंजोर गार्डन जिसे जिसे क्या कहते दोस्तों याद यादवेंद्र गा, गार्डन भी कहा जाता है कहता है कहा से कहा से कहता है बीस किलोमीटर किलोमीटर सेकंड देखिए दोस्तों की दूरी देखिए दोस्तों ये कुछ मिस मिस हो गया है, है, है।, तो, है? तो, 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 अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए दोस्तों आप जो ये फिगर देख रहे हैं इसमें कहता है देखिए इसमें आपको कहता है नीचे दिए गए चित्र नीचे दिए गए चित्र प्राशर्व तरंगों के कार्य को दर्शाता है इस तकनीकी तकनीकी को क्या कहते हैं इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर होगा डी यानी अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासोनिक तकनीकी कहते हैं चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर देख लीजिए नौ कहता है निम्न लिखित में से निम्न लिखित में से कहता किस हेलोजन का क्वथनांक उच्चतम होता है इसका आंसर होगा दोस्तों तो एक यानी आयोडीन आयोडीन अगला क्वेश्चन देखिए महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट द्वारा कहता है हस्तांतरित कहता है हस्ताक्षरित एक चार्टर चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था इसका आंसर है ए यानी 1600 ईसवी 1600 ईसवी चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलंपिक में जिम कहता है ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करने वाली पहली भारतीय महिला कहता कलात्मक जिम्नास्ट कौन बनी थी इसका आंसर होगा सी यानी दीपा कर्माकर दीपा कर्माकर चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहता है एक एटमोस्फेयर बराबर होता है इसका आंसर होगा दोस्तों एक इसका आंसर होगा एक यानी एक दशमलव जीरो एक एक दशमलव जीरो एक गुना दस पर पावर पांच पास करो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों सोलह नंबर देखिए क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आपसे क्या पूछता है फोकस दूरी दिया गया और क्षमता पूछता है तो देखिए दोस्तों एक बट्टा एफ पर, पर बनाएगा एक बट्टा एफ पर बनाइएगा और देखिए तो दोस्तों आपको ये दिया गया है यानी क्या चीज में स, सेंटीमीटर में दिया है इसको बनाएगा मीटर में तो एक सौ से क्या कीजिएगा एक सौ से ऊपर रख दीजिएगा और इसको पच्चीस से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा चार हो जाएगा चार डायप्टर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपको डी चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए 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 अगला क्वेश्चन क्वेश्चन कहता है नंबर देख लीजिए अच्छा ऊर्जा है, है, तो और गतिज ऊर्जा का योग होगा तो क्या होगा इसका आंसर होगा डी यानी स्थिर होगा स्थिर इस होगा इसका आंसर होगा दोस्तों डी चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ देखिए दोस्तों दो इसको किसने लिखा इसका आंसर होगा इसका आंसर हो आपको एक बल बराबर, बराबर क्या हो, तो हो, हो जाएगा एक चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर छब्बीस देखिए कहता है देखिए छब्बीस नंबर क्वेश्चन कहता है भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाले ऊर्जा परिवर्तन को उसमें परिवर्तन अगला क्वेश्चन देख लेते हैं सताइस नंबर क्वेश्चन का था एक सर्किट आरेख में देखिए दोस्तों ये दे, ये देखिए लिखा गया है ये फिगर बनाया गया है दिए गए प्रतीक में उपयोग किस प्रकार किया जाता है इसका आंसर होगा दोस्तों इसका आंसर सी यानी प्रतिरोध का प्रतिरोधी आर

लंबी छोटी आंत की आवश्यकता होती है इसका आंसर सी यानी सेलुलोज सेलुलोज अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आप देख लीजिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौंतीस कहता है सुंदरम देखिए दोस्तों क्वेश्चन कहता है सुंदरम फास्ट टर्न लिमिटेड के चेयरमैन व प्रबंध निदेशक किसे बनाया गया था इसका आंसर अच्छा दोस्तों इसका आंसर अच्छा है सुरेश कृष्णा सुरेश कृष्णा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्वेश्चन है देखिए दोस्तों 38 नंबर क्वेश्चन देखिए बनाने वाला है ये देखिए न्यूमेरिकल है देखिए दोस्तों कहता है एक वस्तु का एक वस्तु का कहता है 20 न्यूटन बल बल लगाया जाता है और कहता है दो दो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से गति करता है तो देखिए वस्तु का क्या कहता है द्रव्यमान होगा देखिए दोस्तों इसको बनाइएगा f ma f ma ऐसे बनाइए बन जाएगा इसका आंसर आपको मैं बता दूं दोस्तों यानी अड़तीस नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको एक हो जाएगा अगला क्वेश्चन देश नहीं है सी यानी सी यानी हो जाएगा आपको रूस रूस अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन देखिए कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर कहता है चौवालीस क्वेश्चन चौवालीस कहता है एक एक भीड़ भीड़ भरी गली को किस प्रकार की गति गति का उदाहरण है इसका आंसर होगा असमान गति असमान चौवालीस का आंसर होगा सी अगला क्वेश्चन देखिए कहता है देखिए दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन दोबारा तो भी कर लीजिए तो अच्छा है चलिए दोस्तों मैं इसको आ कहूँगा इसका आप पी डाउनलोड करके बनाइए और इसका देखिए दोस्तों मैं आपको पी अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से डाउनलोड करके बनाइए अब देखिए क्वेश्चन कहता है और देखिए दोस्तों मैं बता दूं इसमें आपको आना चाहिए पचहत्तर प्लस मार्क्स आना चाहिए पचहत्तर प्लस तो तब तो आप तो बेटर माने जाएंगे अब चलिए दो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन छियालीस नंबर कहता है ग्रामीण कहता है ग्रामीण भारत में भारत नेट निम्नलिखित में से किसकी पेश कर रहा है तो इसका आंसर होगा डी यानी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंटरनेट कनेक्टिविटी इसका आंसर होगा डी चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है उस व्यक्ति को पहचानिए जो जो कहता है भारतीय मूल के व्यवसायी कार्यकारी नोकिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी है इसका अच्छा है कहता है मिशन इंद्रधनुष मिशन इंद्रधनुष भारत सरकार के योजना निम्नलिखित में से किस योजना संबंधित है देखिए दोस्तों मिशन इंद्रधनुष जो है ये देखिए स्वास्थ्य संबंधित है स्वास्थ्य से तो देखिए इसका आंसर हो जाए आपको इसका आंसर है सी अगला क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से अर्ध धातु नहीं है अर्ध धातु नहीं है देखिए दो, दोस्तों इसका आंसर है आपको सी यानी क्लोरीन क्लोरीन अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपको कहता है रदर फोर्ट परमाणु देखिए रदर फोर्ट परमाणु मॉडल में अल्फा कण डैश को क्या करता है प्रभावित करता है इसका आंसर होगा सी यानी स्वर्ण को स्वर्ण को सोना को अगला क्वेश्चन देखिए हाजीपुर किस राज्य में स्थित है इसका आंसर क्या होगा इसका आंसर एक यानी बिहार बिहार अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं देखिए क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों तो देख है देखिए नंबर क्वेश्चन कहता है जापान के वर्तमान दो में कौन प्रधानमंत्री बना दोस्तों तो, तो इसका आंसर हो जाएगा सी अगला क्वेश्चन देखिए कहता है देखिए दोस्तों ये पुराना क्वेश्चन है 2017 का वैसे तो इस में इसका आंसर बता बताया इसका आंसर होगा बी यानी जयरा जयरा जयराबासीम अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसको देखिए देखिए एक वस्तु का कहता है भार इतना है नौ सौ 980 न्यूटन 980 न्यूटन है और गुरुत्व गुरुत्व दिया हुआ 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और कहता है तो क्या कहता है यानी चौसठ का आंसर हो, दो? हो जाएगा एक, कांसर हो जाए एक। अगला क्वेश्चन देख लीजिए कहता है ऐसे बायर देखिए आपका पैंसठ नंबर क्वेश्चन कहता ऐसे बायर जो घरों में बिजली संचालित

प्लूटो एक्सचेंज प्लूटो एक्सचेंज हो जाएगा चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए क्वेश्चन देखिए आपका कहता है सिरो बिंदु देखिए क्वेश्चन नंबर सत्तर कहता है क्वेश्चन नंबर सत्तर कहता है सिरो बिंदु का पूरक पूरक होता है क्या होता है दोस्तों इसका आंसर होगा एक यानी क्या होगा सौर अल्टीट्यूड कौन सौर अल्टीट्यूड कौन उसका पूरक होता है शिरो बिंदु का शिरो बिंदु जो कौन होता है उसका पूरा क्या होता है सौर अल्टी ट्यूट कौन होता है, है अगला क्वेश्चन देखिए दो सौ तिहत्तर के दो सौ तिहत्तर के किसके मान बराबर होता है इसका आंसर होगा एक यानी जीरो है अगला क्वेश्चन देखिए कहता है है किसी किसी पौधे का भाग है? इसका आंसर जड़ तना और पत्तियां जड़ तना पत्तियां इसका आंसर होगा एक अगला क्वेश्चन देखिए मोहन जोदारो कहता है मोहन जोदारो का अर्थ मोहन जोदारो का अर्थ क्या होता है मुर्दो का टीला मुर्दो का टीला और देखिए दोस्तों इसमें क्या कहता है देखिए ये कहाँ से कहाँ से संबंधित है इसका आंसर होगा सिंधी सिंधी इसका आंसर आंसर इस इसका डी अगला क्वेश्चन देखिए कहता है अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों ये भी पुराना क्वेश्चन है इसे इसको एक बार कर लीजिए कहता है हाल, हाल ही में भारत ने किस देश को दो जीरो से हरा कर कहता है इंटर कॉन्ट कौं, इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल जीता है इसका आंसर होगा सी यानी नि, केन्या केन्या

नासी नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा हो जाएगा आपको एक एक चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चलिए देख लीजिए कहता है देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए काफी अच्छा ता देख का है कहता है स्टेटिक फाइड देखिए क्वेश्चन कहता है देखिए दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है देखिए क्वेश्चन कहता है स्टेट किस में मौजूद होता, तो होता है वो तो किसमें होता, तो होता है अब चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं देखिए आपका क्वेश्चन कहता है आप छियासी देखिए कहता है कौन सा कौन सा भिन्न है इसका आंसर देखिए दोस्तों ये देखिए एच सी एल और देखिए एच टू एस ओ फोर और देखिए ये ये सभी क्या है दोस्तों अम्ल है और देखिए दोस्तों ये क्या है एम जी ओ एच

है गुलम के फूल होंगे यानी किस रंग के होंगे इसका आंसर होगा सी यानी नीले रंग नीले रंग के अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों देखिए ये भी 2017 हजार सत्रह करेंट अफेयर है कर इसका आंसर मैं सिर्फ टिकाट करता हूँ इसका देखिए आंसर हो जाएगा सी अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है नंबर क्वेश्चन कहता है आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 संसद तो में प्रस्तुत किया गया इसका आंसर हो जाएगा डी क्या हो जाएगा डी यानी 29 उन्तीस जनवरी 2018 को अगला क्वेश्चन देखिए कहता है देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश फुटबॉल विश्व कप दो का मेजबानी करेगा इसका आंसर दोस्तों यानी डी यानी अमेरिका अमेरिका